कोई संपूर्ण प्रबंधन समझना मतलब के हम अपने देश की प्रभु सत्ता से समझौता नहीं करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करने के लिए कोई भी हथियार बनाएंगे, कोई भी प्रयोग करेंगे तथा अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, हम ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जो पंथ निरपेक्ष हो, यानी किसी भी पंथ में विश्वास न रखता हो। लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो जनता द्वारा चुना गया अपना राज्य है, वो बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसमें जितने नागरिक रहते हैं, जो भारत का नागरिक है, उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से व राजनीतिक रूप से बराबर न्याय देने का काम, बिना जाति पाति रंग भेदभाव इन सबके बिना उनको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास का धर्म, विचार अपनी बात कहने का, अभिव्यक्ति अपनी बात रखने का, विश्वास और उनको विश्वास में रखने धर्म, वह किसी भी धर्म को मान सकता है और उपासना की स्वतंत्रता और उसे अपनी पूजा पद्धति करने का अपना तरीका उसके लिए होगा। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, उसको अपनी प्रतिष्ठा और अवसर किसी भी कार्य में, किसी भी नौकरी में, किसी उसके लिए उसको बराबर अवसर दिए जाएंगे वो प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी उसकी गरिमा को देश ना पहुंचे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र के अंदर विभिन्न सामाजिक संप्रदाय तत्व होते हैं, उन सबको ठीक करते हुए, उन सबको दूर करते हुए देश की अखंडता, भारत का जितना भूभाग है, जितना भारत का एरिया है, बल्कि जो भारत से अलग हुए हिस्से हैं उनको भी भारत के अंदर जोड़ना, देश को एक अखंड राष्ट्र बनाना, इसको सुनिश्चित करना वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी सबके साथ मिलजुल कर चलने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज हम इतिहास में, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम को आत्मसमर्पित करते हैं, यानी देश को सौंपते हैं, तो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान की स्थापना है, वो कब हुई? 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये भारत की संविधान की प्रस्तावना है, इस भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है हमें देखने में छोटी लगती है, परंतु इसके अंदर जो शब्द दिए गए हैं, एक एक शब्द का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। इस प्रकार हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसके अंदर हमें विश्वास रखना है और हमारा देश इस प्रस्तावना के अनुरूप चले, प्रस्तावना